गर्जीफाई इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग सीख रहे हैं फोटोशॉप, तो फोटोशॉप की स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो कल की क्लासेस में हमने सीखा था टेक्स्ट कि टेक्स्ट टूल कैसे काम करता है। इसमें टाइप टूल है पूरा, इसमें टेक्स्ट कैसे लिखे जाते हैं और कैसे कैसे डिजाइनिंग की जाती है। हम इसी के थोड़े और कॉन्सेप्ट आज और सीखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टूल पे जाएंगे। इसमें कोई सैंपल डिजाइन हम लोग लेंगे और उनको क्रिएट करके देखेंगे वो कैसे बनती है, और बनाने के बाद उनको सेव कैसे करना है, और किस तरीके के डिजाइन के प्रोजेक्ट्स हमें कंप्लीट करने होते हैं। तो हम आ जाते हैं अभी गूगल के ऊपर। गूगल के ऊपर हम लिखते हैं टाइपोग्राफी डिजाइन, या फर्स्ट में हम स्टार्ट करते हैं सिंपल टाइपोग्राफी डिजाइन से, ताकि वो थोड़ी सी इजी हो जाएगी समझने के लिए, सीखने के लिए। तो इसमें से हम कुछ सिंपल से पहले ना टेक्स्ट लेते हैं, ताकि उसको हम लिख के देखेंगे और उसको ट्राई करेंगे कि उस तरीके के टेक्स्ट और डिजाइन हम लोग कैसे बनाएंगे। तो इसमें मैं कुछ सिंपल सा टेक्स्ट ले लेता हूँ एक बार। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये ले लेते हैं, सिंपल लिखा है, लेआउट लिखा है एंड डिज़ाइन लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके के हम लोग ना कॉन्सेप्ट यहाँ से लेते हैं कि गूगल के ऊपर से कॉन्सेप्ट लेके और उस तरीके की डिज़ाइन बनाते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है द डोर, ठीक है, तो द डोर कैसे लिखेंगे, और ये भी एक डी से ही बनाया हुआ एक डिज़ाइन है जिसको हम अपने इसके ऊपर बनाएंगे फोटोशॉप के अंदर। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं एक बार इमेज को, और हमारी यहाँ पे आते हैं फोटोशॉप में और पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट करके कंट्रोल टी करके हम इसे छोटा कर लेते हैं, ताकि हम यहीं से इसे देख सकें और इसे बना सकें। तो अब इसमें हमको तो क्या क्या चीज़ चाहिए वो हम पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक न्यू लेयर लेंगे, उसमें सबसे पहले हमें लेना है बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड कलर लेने के लिए कल हमने देखा था कि यहाँ से हम कलर पिकर से कलर पिक कर सकते हैं। तो सेम कलर पिक करना है बैकग्राउंड के लिए, तो कलर पिक कर लिया, और यहाँ से हम पैन बकेट टूल से न्यू लेयर लिए, जिसका नाम हम यहाँ पे रखेंगे बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे हम आके इसका कलर पेस्ट कर दिए। तो हमने सेम कलर का बैकग्राउंड ले लिया। अब न्यू एक और लेयर लेंगे हम, ये होगी टेक्स्ट लेयर, जिसमें हमें टेक्स्ट लिखना है। तो हम टेक्स्ट वाली लेयर को पहले सेलेक्ट करेंगे, इसमें हॉरिजेंटल टाइप टूल ही सेलेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद में हम यहाँ पे पहले इसका कलर लेंगे। अब कलर भी हम पिक करके लेंगे, व्हाइट कलर है तो व्हाइट कलर पिक करके लिया। हमें कलर पिक करके इसलिए लेना है ताकि हम सेम एग्जैक्ट कलर ले सके। हो सकता है ब्लैक का थोड़ा लाइट कलर हो और व्हाइट का भी थोड़ा लाइट कलर, तो हम कलर पिक करके ही कलर लेंगे। ओके किया। ओके करने के बाद हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे, तो टेक्स्ट लिखने के लिए हम एक बार क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते ही हमारे पास कर्सर आ जाएगा। यहाँ पे पहले हमें लिखना है द, तो हमने THE लिख दिया। अब THE लिखा है, अब हमें वैसा ही THE लिखना है जैसा वहां पे लिखा है। तो हमें सिमिलर डिजाइन बनानी है, एग्जैक्ट सेम नहीं बनानी। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए करके। फिर हमने कल सीखा था कैरेक्टर, तो कैरेक्टर में आएंगे। कैरेक्टर में आके देखिए, हमने इटालिक का रखा है तो इटालिक को हटाएंगे पहले, उसके बाद में हमने बोल्ड एक्स्ट्रा कर रखा है तो एक्स्ट्रा बोल्ड को भी हटाएंगे। अब इसमें देखिए टेक्स्ट के बीच की स्पेसिंग आ रही है, यहाँ पे टेक्स्ट के बीच की स्पेसिंग नहीं है, हमें स्पेसिंग इसकी कम करनी है। तो स्पेसिंग कम करने के लिए हमने देखा था VA लिखा हुआ है यहाँ पे, या 440 आ रही है स्पेसिंग कैरेक्टर वाली टूल के अंदर। तो हम इसकी स्पेसिंग को कम करेंगे। हमने स्पेसिंग कम किया, कम करने के बाद में इसको कर देंगे प्लेस। तो प्लेस करने के बाद हमारे पास द आ गया है, तो हम कंट्रोल टी करेंगे। कंट्रोल टी करके इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं और प्लेस कर सकते हैं। तो हमने जैसा द वहां पे लिखा था वैसा हमने द ले लिया है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे तो द लिखा हुआ जो आ रहा है ये थोड़ा सा लंबा लिखा हुआ आ रहा है, तो हम इसको कंट्रोल टी करके और इसे शिफ्ट की मदद से शिफ्ट बटन दबाएंगे, और देखिए आप थोड़ी सी इसकी लेंथ बढ़ा सकते हैं। तो आप लेंथ इसकी बढ़ाना चाहते हैं, तो जैसे हम आई मैक यूज करें तो शिफ्ट दबाने के बाद इसकी लेंथ बढ़ रही है। अगर शिफ्ट नहीं दबाते तो क्या होगा, बिना शिफ्ट के यूज करेंगे फिर हम बड़ा करें, तो देखिए सब तरफ से बड़ा हुआ है, सारे एरिया से बड़ा होगा, न कि स्पेसिफिक एरिया से। तो शिफ्ट दबाने से क्या होगा, शिफ्ट दबा के फिर हम हमारे कर्सर को यूज करेंगे, तो इसकी लेंथ को हम बड़ा कर सकते हैं और लेंथ को कम भी कर सकते हैं। तो ये हम आईमैक में सीख रहे हैं। हो सकता है विंडो के अंदर अपोजिट काम करे, कि आप डायरेक्टली अगर कर्सर को यूज करेंगे तो इसकी सिर्फ लेंथ बढ़ेगी। तो अगर आपको चारों तरफ से इसको अगर सेम साइज बढ़ाना है, तो शिफ्ट की मदद से आपको उसकी साइज बढ़ानी पड़ेगी। तो अपोजिट फंक्शन काम कर सकते हैं विंडोज में और एप्पल डिवाइस में, तो आपको उस तरीके से इसके यूज करना है। तो मैंने थोड़ा सा इसकी लेंथ बढ़ा दी और इसे प्लेस कर दिया। प्लेस करने के बाद आप देख रहे हैं अभी भी इसके ना फाउंट जो है ज्यादा बोल्ड आ रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी फाउंट स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। तो मैं इसकी फाउंट स्टाइल चेंज करता हूँ। जैसे मैंने एरियल की फाउंट स्टाइल ली, और एरियल फाउंट स्टाइल लेके
इसका मैंने बोल्ड किया है। तो आप देखिए थोड़ा सा फाउंड स्टाइल जो है मैच हो रही है। अब इसको मैं थोड़ा सा इसकी विड्थ जो है इसे कम कर दूंगा और लेंथ भी थोड़ी कम कर देता हूँ। तो इसको मैंने द ले लिया इस तरीके का। अब मुझे लिखना है डोर, तो मैं एक और न्यू लेयर क्रिएट करूंगा। अभी मैंने द बना दिया है, अभी डोर बनाना है। तो डोर बनाने के लिए एक और मैंने लेयर ले ली मैंने, और आउटसाइड विंडो पे आपको क्लिक करना है। मैं एक चीज और इसमें आपको बता देता हूँ कि अगर मैं इसको प्लेस कर देता हूँ, कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। अभी हमारे पास ब्लैंक लेयर ही है। अगर ये कर्सर पे मैंने कर्सर कहीं और बाहर क्लिक नहीं करके द के आसपास ही अगर क्लिक किया, तो ये एक सिंगल जो लेयर है यही लेयर सेलेक्ट हो जाएगी और इसी में वर्ड लिख सकते हैं। ओके, तो हमें क्या करना है, न्यू लेयर सेलेक्ट करेंगे तो पहले जो टेक्स्ट लिखे उससे थोड़ा दूर हमें क्लिक करना है, तब हमारा नया कर्सर आएगा और यहाँ पे हमें लिखना है DOOR, डोर। अभी डोर हमने लिख लिया, डोर लिखने के बाद प्लेस कर दिया। उसके बाद कंट्रोल टी करके हम इसे बड़ा कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमने सीखा था इसके अंदर कि हम लोग इसकी फॉन्ट साइज भी बढ़ा सकते हैं। तो मैं इसको प्लेस कर लेता हूँ, कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। कैरेक्टर में जाके इसी लेयर को हमें सेलेक्ट रखना पड़ेगा जिसकी साइज बढ़ानी है, छोटी करनी है। तो डोर वाली लेयर पे हम लोग इसकी फॉन्ट साइज बढ़ाएंगे, तो ये देखिए फॉन्ट साइज इसकी बड़ी होने लग गई। तो हमने इसकी फॉन्ट साइज बड़ी की, कंट्रोल टी किया और इसे मैं मैच करूंगा। देखिए टी जो लिखा आ रहा है वहीं से हमें मैच करना है, टी और डी दोनों की लाइन मैच आनी चाहिए। तो दोनों को मैच करने के लिए हमने यहाँ पे कर दिया। अब एग्जैक्ट टी और डी एक ही लाइन में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये हमें कैसे चेक करना है। तो इसे चेक करने के लिए हम फिल्टर में जाएंगे, सॉरी व्यू में जाएंगे हम लोग। यहाँ पे ऑप्शन आएगा न्यू गाइड। न्यू गाइड के अंदर आएगा एक तो वर्टिकल, एक आएगा हॉरिजेंटल। तो हम वर्टिकल पे क्लिक करके ओके करेंगे तो देखिए एक ब्लू कलर की लाइन आ गई। ये जो है एक रूलर है जैसे कि हम उसको मैच करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो हमें पहले मूव वाले टूल पे ले जाना है, तब हम इसको पकड़ सकते हैं। इसको पकड़ के हम लोग लेके जाएंगे यहाँ पे टी पे और कंट्रोल प्लस से हम लोग इसे करेंगे जूम। जूम करने के बाद इसको मैच करेंगे कि ये जो फाउंट है ये इक्वली यहाँ पे मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। जैसे कि अगर हमने डी को डोर को अगर कंट्रोल टी करके मैच कर रहे हैं तो ये यहाँ पे आ रहा है। तो टी जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहां से डी स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये हम चेक कर सकते हैं। तो हम इसको यहाँ पे इस लाइन की मदद से जो हमने न्यू गाइड ली है, इस गाइडलाइन की मदद से एक्चुअल हम मैच कर सकते हैं कि हमारा डी भी टी की जगह पे ही आए। तो हम इसे मैच कर लेते हैं और जूम कर लेते हैं इसको और इसे मैच कर लेते हैं हमारे टी के साथ। तो हम इसे मैच कर लेंगे ताकि एक अलाइनमेंट में आए। तो हमने टी और डी, हमने द डोर बना लिया है। अब ये जो गाइडलाइन आ रही है ब्लू कलर की, ये गाइडलाइन कहाँ से आई थी, हमने फाइल पे व्यू सॉरी व्यू पे क्लिक किया और नीचे आया था न्यू गाइड। तो न्यू गाइड पे हमने ओपन किया है, तो हमने अभी ली थी वर्टिकल, ऐसे ही हम हॉरिजेंटल भी ले सकते हैं। ओके करेंगे हॉरिजेंटल भी आ जाएगी। तो आप जितने भी लाइन लेना चाहते हैं मैच करने के लिए आप उसकी लाइन को लेके ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ये ड्रैग एंड ड्रॉप तब होगी जब आप मूव टूल को सेलेक्ट करेंगे। ओके, और ये टूल को आपको हटाना है तो कंट्रोल एच है इसकी शॉर्टकट की, तो आप इसे नोट करके रख सकते हैं। मैं यहाँ पे टाइप करके लिख लेता हूँ ताकि आपको इजीली आइडिया हो जाएगा। CTRL+H, तो ये इसकी शॉर्टकट की है जिसे हम यूज करते हैं, Ctrl+H। ये यूज करने से क्या होता है, ये हमारी जो गाइडलाइन हमने अभी ऑन की थी ये गाइडलाइन वापस हाइड हो जाती है। और वापस से अगर हमने जहाँ गाइडलाइन रखी थी उसे ही विजिबल करना है तो फिर से Ctrl+H दबाना है। तो जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+H दबाएंगे तो आपकी गाइडलाइन जहाँ आपने रखी थी वहीं आ जाएगी। अब देखिए हमने अभी अपना टेक्स्ट टूल सेलेक्ट कर रखा है, तो हम इसको जो भी हमारी गाइडलाइन है, गाइड की जो लाइन हमने ली हुई है, ये देखिए हम इसे मूव नहीं कर सकते। रीजन, क्योंकि हमने टेक्स्ट टूल लिया हुआ है। तो हमें मूव टूल को सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे लाइन पे लेके आएंगे तो ये कर्सर चेंज हो जाएगा, फिर हम इसकी गाइडलाइन को सेट कर सकते हैं मैच करने के लिए ताकि हमारी अलाइनमेंट जो है वो परफेक्टली जाए। ओके, तो अगर ये गाइडलाइन आपकी ऑन भी, एग्जांपल के लिए मैं एक और चीज बता देता हूँ, ये गाइडलाइन जो ब्लू लाइन आ रही है ये अगर ऑन भी है, ऑन होते हुए भी अगर आपने कोई फाइल को अगर सेव कर दिया है तो भी ये गाइडलाइन की ब्लू लाइन जो है ये आपकी प्रिंट फाइल के अंदर दिखेगी नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक इंटरनल यूज के लिए आपकी अलाइनमेंट करने के लिए।
आप कंट्रोल एच भी कर सकते हैं, और कंट्रोल एच नहीं किया है और एक्टिव किया हुआ है, लाइन दिख रही है तो भी आप फाइल को सेव कर सकते हैं। तो हम अभी के लिए कंट्रोल एच कर देते हैं और ये हमारी लेयर हटा देते हैं कंट्रोल एच की। ठीक है, अभी हमने हमारी कौन कौन सी लेयर बना ली है, हमने लेयर्स बना दी है द की और एक डोर की, ये दो लेयर बना दी है, और हमने इसकी जैसी डिजाइन बना ली है कि हमने लिखा है द डोर। अब हमें यहाँ पे आ रहा है एक और एक लोगो बना हुआ है, ये हम ऐसे लोगो यूज नहीं करते लेकिन एग्जाम्पल के लिए हम सिर्फ अभी सीख रहे हैं, इस वजह से हमने क्या किया है इस तरीके की एक डिजाइन हमें बनानी। अब एक और इसी डिजाइन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक और न्यू लेयर लेनी है। अब सिंपल से टेक्स्ट टूल से भी हम लोग इसकी डिजाइन बना सकते हैं। तो वापस एक और हम लोग टेक्स्ट लेते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं डी। डी लिखा, अभी हमने इसे प्लेस कर दिया। अब प्लेस करने के बाद हम इसे थोड़ा बड़ा साइज कर लेते हैं और इसकी वीड्थ को भी थोड़ा कम कर लेते हैं। तो हम उस तरीके का एक सिमिलर लोगो बनाने की कोशिश कर रहे हैं इसके अंदर कि ऐसे लोगो बनेगा कैसे। तो अभी आप देख रहे होंगे ये ओ जो है इसके सेंटर से शुरू हो रहा है और आर जो खत्म हो रहा है यहाँ पे इसकी बाउंड्री खत्म हो रही है। तो हम इसी तरीके से इसको मैच करके इस लोगो को बनाएंगे इसके अंदर, इसकी लेंथ और बढ़ा देते हैं। ये बढ़ाने के बाद हमने एंटर किया तो ये प्लेस हो गया। अभी डी टाइप का ये शेप है, अब इसके अंदर बीच का एरिया भी हमें फिल करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक और न्यू लेयर लेनी है, और हमने सीखा था यहाँ पे हमारा लेसो टूल। तो लेसो टूल को हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद हमें इसके बीच का एरिया जो ब्लैक है इसे हमें फिल करना है व्हाइट कलर से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक एरिया ले लेंगे जो व्हाइट कलर में आ रहा है और इसे सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम आएंगे हमारी ब्लेंड बकेट टूल पे और यहाँ से हम कलर सेलेक्ट करेंगे सेम व्हाइट कलर, और एक न्यू लेयर जो हमने ली हुई है इसके अंदर ये कलर को कर देंगे फिल, और कंट्रोल डी करने से डी सेलेक्ट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, एक डी बना लिया और उसको हमने बीच में कलर भी सेलेक्ट करके और कलर फिल कर दिया। अब इसके अंदर ऊपर एक लाइन बनी हुई है जो डी से कनेक्ट हो रही है, इसके लिए भी हम लेसो टूल लेंगे। लेसो टूल लेके हम इसको थोड़ा जूम कर लेंगे कंट्रोल प्लस से, और इस तरीके का एक ट्रायंगल बनाएंगे। तो हम इस कॉर्नर से एक लाइन लेंगे, उस लाइन को यहाँ पे ली और थोड़ा नीचे लेके यहाँ पे लेके आए अंदर के एरिया में, और वापस जहाँ से स्टार्ट की थी हमने लेसो टूल को वहां पे हमने सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद फिर से वही करना है हमको, आपको एक बकेट टूल लेना है, कलर आपको चूज करके वही व्हाइट कलर लेना है, एक न्यू लेयर लेनी है, न्यू लेयर लेके वहां पे कलर प्रेस करना है। कलर प्रेस किया, कंट्रोल डी किया, तो हमने वैसा ट्रायंगल बना लिया। अब वो ट्रायंगल दिख क्यों नहीं रहा है, उसका रीजन ये है क्योंकि हमारी जो फर्स्ट लेयर थी जो हमने गूगल से इमेज कॉपी पेस्ट की थी उसका जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड इस लेयर के ऊपर आ रहा है। तो हम इस वाली लेयर को सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल टी करके इसे और छोटा कर लेंगे। तो देखिए इसके बीच में पीछे जो था वो हाइड हो रहा था, इस वजह से ये हमें दिख नहीं रही थी। तो हमने उस तरीके का एक वापस एक लाइन भी बना ली। अब हमें क्या करना है, एक और इसमें सर्कल बना हुआ है राउंड कलर का, वो सर्कल बनाना है। तो सर्कल बनाने के लिए हम वैसे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर सीखने वाले हैं रेक्टेंगल टूल और सर्कल टूल। तो इसमें देखिए नीचे आएगा एलिपेस टूल। ठीक है, यहाँ पे टूल सारे रेक्टेंगल टूल, राउंडेड रेक्टेंगल, और आ रहा है एक एलिपेस टूल। तो एलिपेस टूल को हम सेलेक्ट करेंगे, एक और न्यू लेयर क्रिएट करेंगे हम लोग, हमने एक न्यू लेयर क्रिएट करके लेयर 4 के नाम से। अब यहाँ पे हम इसका कलर सेलेक्ट कर लेंगे कि हमें कलर कौन सा रखना है, वही सेम व्हाइट कलर पिक करना है, और हमें एक सर्कल बनाना है। तो सर्कल बनाने के लिए हम शिफ्ट की मदद लेंगे, शिफ्ट को क्लिक करके उसके बाद हमारे कर्सर को यूज करेंगे, तो देखिए हमारा एक सर्कल बनना स्टार्ट हो गया है यहाँ पे। अगर हम शिफ्ट को यूज नहीं करेंगे, मैं शिफ्ट को छोड़ देता हूँ, तो आप देखिए बिल्कुल राउंड शेप का सर्कल नहीं बनेगा, वो कोई विड्थ और हाइट बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नहीं रहेगी। तो हम शिफ्ट को दबाएंगे तो सेम साइज का हमारा सर्कल बन जाएगा। तो हमने सर्कल बनाया, सर्कल बनाने के हमने बाद हमारे माउस की जो बटन है इसे छोड़ दिया, तो आप देखिए हमारे पास एक सर्कल बन के आ गया है। तो हमने क्या किया कि एक सर्कल बना लिया। अब हम अपनी लेयर्स ले लेते हैं एक एक, ये हमने एक सर्कल बना लिया। उसके बाद हमने एक इसका ट्रायंगल शेप में एक ऊपर डी के ऊपर लाइन बनाई है। उसके बाद हमने डी के लिए एक फिल करने के लिए एक यहाँ से कलेक्शन टूल से कलर फिल किया है, फिर हमने एक डी बनाया है। तो ये चार लेयर जो है हमारी, इससे हमने एक बनाया है लोगो इन चार लेयर से। तो हम इसका यहाँ से जाके कलर चेंज कर सकते हैं, रेड कलर दे दिया ताकि हमें पता रहे कि ये लोगो जो बनाया गया है इन चार लेयर से बनाया गया है। तो ये एक लोगो बनाया, फिर हमने डोर वर्ड लिखा और द वर्ड लिखा और एक बैकग्राउंड बनाया। तो हमने इस तरीके से एक जो हमारी ये सर्कल
सैंपल इमेज जो थी, जो हमने गूगल से देखी थी कि द डोर की एक लोगो डिजाइन बनाई हुई है, ये हमने ऐसी ऐसी एक डिजाइन हमने बना के रेडी कर ली है। अब ये डिजाइन तो रेडी हो गई है, लेकिन अभी इस पूरी डिजाइन का एक सिंगल अलाइनमेंट नहीं किया है, वो अलाइनमेंट करने के बाद ही हम उसे सेव कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जितने भी लेयर्स पे आपने काम किया है बैकग्राउंड को छोड़ के, उन सारी लेयर्स को आपको एक ग्रुप में डालना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, एक तो तरीका है, नीचे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे ग्रुप का, ठीक है, आप बॉटम में देख रहे हैं डिलीट आ रहा है, न्यू लेयर, और आ रहा है क्रिएट ए न्यू ग्रुप। एक तो आप यहाँ से ग्रुप बना सकते हैं, ग्रुप बना के जितने भी लेयर है उनको शिफ्ट की मदद से सेलेक्ट करेंगे बैकग्राउंड लेयर को छोड़ के, और उन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक ग्रुप के अंदर ऐड कर लेंगे। अब हमारा जो है पूरा ग्रुप में एक लेयर सेव हो गई है। दूसरा इसका तरीका क्या है, शॉर्ट तरीका जिसे हम यूज कर सकते हैं, कि हमने ग्रुप बनाया नहीं है यहाँ से, तो हम सारी लेयर्स को सेलेक्ट करेंगे, फिर लेयर्स को सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, फिर हमने यहाँ पे सीखा था, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कन्वर्ट इन ग्रुप, मैं यहाँ पे फिर से देख लेता हूँ ऑप्शन कहाँ आ रहा है, ये सारी इमेज को सेलेक्ट किया, लेयर्स एक्सपोर्ट, यहाँ पे अभी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन हमें विजिबल नहीं हो रहा है। उसका कारण हो सकता है क्योंकि ना हम लोगों ने एक तो एलिपेस टूल लिया हुआ है और एक टेक्स्ट लेयर ले रखी है, अगर इसमें नॉर्मल लेयर होती है तो ग्रुप कन्वर्ट करने के लिए ऑप्शन विजिबल हो जाता है। देखिए अभी डिफरेंस दिखाता हूँ मैं, ये देखिए दो जो लेयर टू और लेयर थ्री हमने सेलेक्ट कर रखी है, यहाँ पे कोई भी एक बॉक्स बना हुआ नहीं आ रहा है इसके अंदर, ठीक है, प्लेन लेयर बॉक्स आ रहे हैं। तो राइट क्लिक कर रहे हैं जब हम यहाँ पे, तो देखिए आ रहा है ग्रुप फ्रॉम लेयर, ठीक है, लेकिन ये वाली जब एलिपेस वाली जो थी हमने जो राउंड बनाया था, यहाँ आ रहा है एक छोटा सा एक मार्कर बना हुआ आ रहा है यहाँ पे एलिपेस टूल का। जब इसको हम राइट क्लिक सेलेक्ट करते हैं दूसरी लेयर के साथ में, टेक्स्ट लेयर के साथ, तो यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन ठीक है अभी विजिबल हो रहा है हमको, अभी राइट क्लिक कर रहे हैं तो फिर से हमें नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने टेक्स्ट टूल की लेयर्स को हमने सेलेक्ट किया हुआ, तो टेक्स्ट टूल की लेयर्स को सेलेक्ट कर रहे हैं तो ग्रुप का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इनको जब हमें एक ग्रुप में डालना है, तो हमें ये करना होगा कि यहाँ से ग्रुप क्रिएट करना है, ग्रुप पे क्लिक किया, जैसे ही देखिए सारी लेयर्स जो है ग्रुप में चली गई ऑटोमेटिक। अब यहाँ पे हम ग्रुप का नाम दे सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं लोगो, या इस ग्रुप का नाम दे सकते हैं हम द डोर। अब देखिए ये कंट्रोल टी करेंगे तो देखिए ये क्या आ रही है, हमारी सारी जितने भी लेयर थी एक सिंगल लेयर में सेलेक्ट होके हम सिंगल मूव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, ये पूरी जो हमारी फ्रेम है इसकी सेंटर्ड में नहीं आ रही है, फ्रेम मतलब हमारा जो ले हमारा जो कैनवास है इसके सेंटर्ड में नहीं आ रहा। तो सेंटर्ड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमने एक ग्रुप में ले लिया, अगर ग्रुप में नहीं लेते हैं आप तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी लेयर्स हैं उनको एक साथ सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद भी अगर आप कंट्रोल ए करेंगे तो क्या होगा, कंट्रोल ए करने से होता है आपका जो कैनवास है ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। जब सेलेक्ट हो जाता है तो आपको मूव टूल पे जाना है, मूव टूल पे जाने के बाद आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे सेक्शंस बने हुए आएंगे, एक छोटी सी लाइन बनी हुई आ रही है, इसके आप सेंटर में देखेंगे तो चार ऑप्शन बने हुए आ रहे हैं, और फिर एक छोटी सी लाइन आ रही है, फिर चार ऑप्शन बने हुए आ रहे हैं। तो इसमें से क्या क्या ऑप्शन है, ये फर्स्ट के जो तीन ऑप्शन आ रहे हैं ये आपकी जो पूरा आपकी जो डिजाइन बनी हुई है इसको लेफ्ट लेने के लिए काम आएगा। तो देखिए हमारी डिजाइन जो है वो अभी क्या हो गई, मिसमैच हो गई, डी के बीच की जो कलर थे वो मिसमैच हो गए। तो कंट्रोल जेड करते हैं हम, अगर हम ग्रुप को सेलेक्ट करते हैं और ग्रुप के अंदर जितने भी लेयर्स हैं, जब ग्रुप को सेलेक्ट करके हम इसको अलाइनमेंट करेंगे तब हम इसको लेफ्ट में लेते हैं, तो देखिए अब क्या हुआ, अभी पूरी डिजाइन है वो लेफ्ट में आ गई, है ना। तो हमें क्या करना है इसके अंदर, हमें करना है इसको सेंटर्ड, तो देखिए यहाँ पे क्लिक किया है, यहाँ क्या लिखा हुआ, अलाइनमेंट हॉरिजेंटल सेंटर्ड, तो हॉरिजेंटली इसको सेंटर्ड करेंगे। तो अभी क्या हुआ, राइट से लेफ्ट में बिल्कुल सेंटर्ड आ गया। ऐसे ही ये तीन जो ऑप्शन आ रहे हैं इसके अंदर आ रहा है, सेंटर वाला जो ऑप्शन आ रहा है इसका नाम आ रहा है अलाइन वर्टिकल सेंटर्ड, तो वर्टिकल सेंटर करने के लिए इस पे क्लिक करेंगे तो सेंटर हो गया। अब क्या हो गया, राइट से लेफ्ट और टॉप से बॉटम, अब बिल्कुल हमारा जो कैनवास एरिया था इसके सेंटर्ड में हमारी जो डिजाइन थी वो आ गई। तो हमें हमेशा हमारी डिजाइन जो भी बनानी है वो बनाने के बाद उसे राइट से लेफ्ट और टॉप से बॉटम में सेंटर्ड करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हमारी डिजाइन जो है वो सेव करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, प्रिंट करने के लिए हम इसकी फाइल को सेव कर सकते हैं। अब हमने कंट्रोल ए करके इसके कैनवास को सेलेक्ट किया था, अब कंट्रोल डी
करेंगे तो ये डीसेलेक्ट हो जाएगा जो सिलेक्शन था। तो कंट्रोल ए से सेलेक्ट होगा हमारा कैनवास और कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट होगा। तो इससे हम सेंटर्ड करेंगे। अब सेंटर किसको करेंगे, हम ग्रुप को करेंगे। जितने भी लेयर्स हमारी थी उसे हम पहले ग्रुप में डालेंगे, और ग्रुप को हम ग्रुप की जो लेयर यहाँ पे आ रही है उसे हम सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद कंट्रोल ए करके सेंटर अलाइनमेंट करेंगे। सेंटर ऑप्शन कब आएंगे, अगर आपने टूल को सेलेक्ट कर रखा है कंट्रोल ए करने के बाद, तो आपको टूल बार यहाँ शो ही नहीं करेगी। आपको टूल बार कब शो करेगी, जब आप मूव वाले टूल बार को सेलेक्ट करेंगे। मूव टूल को सेलेक्ट करेंगे तब आपको ये टूल बार आएगी। तब आपको सेंटर अलाइनमेंट करना है हॉरिजेंटल, सेंटर अलाइनमेंट करना है आपको वर्टिकल। अगर वर्टिकल में अगर टॉप कर देते हैं आप, तो आपकी डिजाइन टॉप पे चली जाएगी। अगर आप वर्टिकल में बॉटम में कर देंगे तो ये बॉटम में आ जाएगी। आप वर्टिकल आपकी हॉरिजेंटल के अंदर आप अगर इसको लेफ्ट में कर देंगे, राइट में कर देंगे, तो लेफ्ट और राइट हो जाएगा। तो वापस से हमें अब सेंटर लेके आना है, तो क्या करना पड़ेगा, अलाइन हॉरिजेंटल करना है पहले, फिर अलाइन वर्टिकल करना है, उसके बाद कंट्रोल डी करना है। अब जाके हमारी डिजाइन सही हुई है। अब हम थोड़ा जूम करके इस डिजाइन को देख लेते हैं कि हमारे डिजाइन में कुछ गलती तो नहीं है। तो कंट्रोल प्लस से मैंने जूम किया है, तो देखिए नीचे आपका 500% जूम हो गया है। अब देखिए TH द लिखा है और डोर लिखा है। अब द से लाइन में अलाइन करके डी हमने कर लिया था, तो ये सही है। ऊपर आके देखते हैं तो देखिए आप डी का जो हमने बनाया था इसके साथ हमने एक ट्रायंगल बनाया है, थोड़ा सा बाहर निकल रहा है, तो हमें इसे सही करना है। तो हम सेपरेट एक एक सिंगल लेयर पे काम क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि अगर उनमें कोई गलती हो जाए तो हम उसे सही कर सकें। तो अब ये वाली लेयर कौन सी है, अब इसे हम ऑन ऑफ करके देखेंगे। देखिए ये वाली लेयर है जिसे हमने थोड़ा सा और कंट्रोल सेट प्लस करके हम इसे जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा ही ऊपर कर दिया है। तो हम इस लेयर को पहले सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद मूव टूल सेलेक्ट करेंगे और डाउन एरो की से हमारी कीबोर्ड की मदद से एक बार इसको नीचे करेंगे। तो कंट्रोल टी करता हूं मैं, इसको नीचे किया, एक सिंगल डाउन किया और प्लेस किया। अब देखिए बिल्कुल एक लाइन में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमसे गलती हो सकती है। उस गलती को ठीक करने के लिए हमें क्या करना होता है, कभी भी हम कुछ काम करते हैं तो हमें लेयर्स पे काम करना होता है कि एक एक सिंगल लेयर पे एक एक सिंगल वर्क करें हम, ताकि उसमें कुछ चेंजेस करने हो तो हम उसे चेंज कर सकें। ये करने के बाद अगला प्रोसेस हमारा क्या होगा, लास्ट प्रोसेस हमारा आता है, हमारी डिजाइन रेडी हो गई है। तो अब हमें क्या करना है, इस फाइल को करना है सेव। तो फाइल को सेव करने के लिए क्या करना होगा, हमें फाइल पे जाना है। फाइल पे जाने के बाद सेव नहीं करना है, इसे करना है सेव एज। देखिए सेव और सेव एज में फर्क क्या है, सेव करते हैं तो क्या आएगा, सेव करेंगे तो क्या ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आएगा आपका PSD। आपने जितनी लेयर्स यहाँ पे बनाई है इस लेयर पे आपको मास्टर फाइल करके सेव करके रखना है, तो आपको PSD फाइल सेव करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जहाँ पे भी फोल्डर होगा वहां जाके सेव एज, तो आपने इस फाइल का नाम दे दिया द डोर टेम्पलेट। तो जब बहुत सारे लेयर्स के साथ अगर हम किसी फाइल को PSD, PSD का मतलब क्या है, फोटोशॉप फाइल, फोटोशॉप फाइल में हम एडिटेबल फाइल, इसे बोला जाता है टेम्पलेट को एडिटेबल फाइल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको द डोर एडिटेबल टेम्पलेट, लास्ट में ऑप्शन आएगा इसका .PSD। ये .PSD क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने फॉर्मेट कौन सा सेलेक्ट कर रखा है इसमें, फोटोशॉप, तो इसलिए PSD आया। जब इस फाइल को करके हम यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल हमारी सेव हो जाएगी। ये फाइल सेव होने के बाद जब भी हम फोटोशॉप के हम में आके फाइल पे जाके ओपन पे जाके वही फाइल को PSD फाइल को क्लिक करके ओपन करेंगे, तब जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके पास सेम इतनी सारी लेयर पे जो आपने काम किया था वो फाइल खुल जाएगी। मतलब कि आपकी एडिटेबल मास्टर फाइल खुलेगी, जिसमें इन फ्यूचर फिर से चेंजेस करने हैं तो आप चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन जब हम इसे प्रिंट फाइल के रूप में सेव करते हैं, इस फाइल को हम प्रिंट में सेव करना है ताकि हम प्रिंट के लिए यूज कर सकें, तो हम प्रोजेक्ट के अंदर कैसे फाइल को सेव करेंगे, हम फाइल में जाएंगे तब हम क्लिक करेंगे सेव एज पे। अब सेव एज पे क्लिक करते हैं तो दो तरीके से सेव एज कर सकते हैं, एक तो फाइल में जाके सेव एज पे क्लिक कीजिए, दूसरा इसका ऑप्शन है कंट्रोल अल्टर एंड एस कंट्रोल अल्टर एस, आपकी कीबोर्ड की मदद से तीनों बटन को एक साथ दबाएंगे तो ये विंडो खुल जाएगी सेव एज की। यहाँ पे आपको आपका फोल्डर में जाना है, जिस भी फोल्डर में आप सेव करना चाहते हैं। उसके बाद आप फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट के आपको रिक्वायरमेंट दी जाती है कि आपको किस फॉर्मेट में सेलेक्ट करना है, या तो JPG फॉर्मेट दिया जाएगा या PNG फॉर्मेट दिया जाएगा, या फिर PDF फॉर्मेट दिया जा सकता है, EPS फॉर्मेट दिया जा सकता है, इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं।
जनरली जो प्रिंट फाइल सेव की जाती है वो पीएनजी फॉर्मेट में सेव की जाती है, तो हम पीएनजी फॉर्मेट को सिलेक्ट करेंगे। आपकी रिक्वायरमेंट जो प्रोजेक्ट की दी जाती है उसके हिसाब से आपको चूज करना है। यहाँ पे पीएनजी सेलेक्ट की, अब इस फाइल का नाम देना है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट डिजाइन से, तो वन करके द डोर ये नाम दे दिया हमने फाइल का। फिर डॉट पीएनजी जो पीछे लिखा है इसे हमें चेंजेस नहीं करना है कभी भी, अगर गलती से डिलीट हो गया तो हमें फिर से यहाँ पे डॉट लिखना है और फिर पीएनजी लिखना है स्मॉल वर्ड्स में, तो अगर डिलीट हो जाता है तो डॉट पीएनजी हमें टाइप करके लिखना पड़ेगा। ये लिखने के बाद सेव बटन आपका एक्टिव होगा, अभी रिकॉर्डेड क्लास है इसलिए सेव बटन एक्टिव नहीं दिखा रहा है फोटोशॉप में, आपको सेव पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे ये फाइल आपकी सेव हो जाएगी, सेव होके आपका जो भी फोल्डर होगा उसके अंदर मिल जाएगी। तो ये एक पूरा प्रोसेस है जिससे हम एक डिजाइन को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो हमने आज की क्लासेस में क्या सीखा है, गूगल की एक हमने इमेज ली थी द डोर की, ठीक है, ये इमेज को हमने रिक्रिएट किया है टेक्स्ट टूल की मदद से कि इसे हमें कैसे डिजाइन करना है। तो इस तरीके से हमने एक डिजाइन क्रिएट की है गूगल की इमेज का सैंपल लेके, एक ओरिजिनल डिजाइन बनी है कि इस तरीके से हम सिमिलर डिजाइन भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम और भी सिंपल इसी तरीके की डिजाइन के कुछ सैंपल्स देखेंगे कि हम कैसे बना सकते हैं उन डिजाइन को सिमिलर डिजाइन, ताकि जब भी हम प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो उस तरीके की डिजाइन को कैसे बनाया जाएगा। थैंक यू।